गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस कंसीडर्ड बाय सनराइज सेकेंडरी स्कूल गुढ़ागुड़ जी। वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट बट डज नॉट टेल अस अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस of the action. Use of present indefinite tense. Present indefinite tense का प्रयोग कब होता है sentence में? To express effect at the time of speaking. फैक्ट टाइम के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। वी गो टू स्कूल एवरीडे। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल के रूप में देखिए, सी वॉटर्स द प्लांट्स डेली। टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल ट्रूथ, सात्वत सत्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। टू एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, वी रीड टुगेदर, आई गो टू द लाइब्रेरी। टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, नजदीक भविष्य के लिए, नजदीक भविष्य कार्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू सी यू अबाउट इट टुमारो। टू एक्सप्रेस सम हैबिट और कस्टम, कुछ आदतें होती हैं या आदतन से संबंधित कोई भी कार्य होता है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, He gets up early in the morning. Affirmative sentence, साधारण वाक्य बनाने या साधारण वाक्य किस प्रकार से बनेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में? पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस V1 oblique V1 plus S oblique ES. Subject, subject के साथ verb की first form आएगी, first form या फिर first form के साथ S या ES add होगा plus आगे sentence चलता रहेगा। First sentence देखिए, I learn माई लेशन। सेकेंड सेंटेंस, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस, यू राइट ए लेटर। फोर्थ सेंटेंस, दे लर्न देयर लेसन्स। फिफ्थ सेंटेंस पे, ही गोज टू स्कूल। सिक्स्थ सेंटेंस पे,
वी प्ले हॉकी। एस और यस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस एड करें। गहन जब द सेंटेंस सॉरी वेहन द सब्जेक्ट इज इन द थर्ड पर्सन। ही सी इट। यदि सेंटेंस में ही सी और इट ये थर्ड पर्सन है ये सब्जेक्ट के प्लेस पर हैं तो वर्ब में एस और ई एस एड करेंगे। एंड ऑफ सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन। एज सॉन इन सेंटेंस नंबर टू। सेंटेंस नंबर दो को देखिए। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड हुआ है। सिंग है वर्ब, इसके साथ एस लगने पे सिंग्स बन गया। एंड सेंटेंस नंबर फाइव। सेंटेंस नंबर फाइव में सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। गो के आगे ई एस एड हुआ है। ई एस गोज बन गया यानी कि सिंगुलर वर्ब। एनी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट इज ट्रीट एज ए थर्ड पर्सन। कोई भी सिंगुलर नाउन अगर सेंटेंस में दी हुई है कोई भी सिंगुलर नाउन एनी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इन प्लूरल नंबर। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट